जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी और बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नाबालिग और एक युवक ने क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को दमोह निवासी एक शख्स को शादी के नाम पर बेच दिया था। महिला कुछ दिन वहीं रही और इस दौरान उसे खरीदने वाले ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर जबलपुर पहुंची और संजीवनी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के अनुसार सुनील रजक और नरेंद्र लोधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मेरी कोई मामला था 3376 एक 13 तारीख को हमारे पास फरियादिया एक आई थी। फरियादिया ने बताया कि उसको यहाँ के लोकल के दो व्यक्तियों ने जबरन ले जाकर टीकमगढ़ दमोह के दो व्यक्तियों को हैंडओवर किया था और बदले में खरीद फरोख्त का मामला भी था ये साथ में और बलात्कार का भी प्रकरण था। पुलिस ने हमने दो आरोपी और एक विधि विरुद्ध बालिका को गिरफ्तार कर संप्रेक्षण गृह में संरक्षण रखा है। दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। इसमें अभी और विवेचना जारी है, पूछताछ और लोगों से की जा रही है। मैम, आरोपी कौन थे और कहाँ के थे? एक आरोपी धनवंतरी नगर क्षेत्र का है और एक दमोह जिले से संबंधित है और एक टीकमगढ़ जिले से। क्या नाम है उनका? आरोपी एक सुनील रजक नाम है, एक नरेंद्र लोधी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।